भी में कंडीशन स्टेटमेंट दो तरह तीन तरह की है, इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है और स्विच स्टेटमेंट है। इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट कंडीशन कोड इज एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू, और इफ स्टेटमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी। और अब एग्जाम्पल भी है हमारे पास, एग्जाम्पल है तो जो पी एच पी डॉलर मार्क्स। अब हमने यहाँ देखिए लिखा हुआ है 60, ये 60 है। इफ अगर 60 है ग्रेटर है 40 से, ये हमने कंडीशन दी है इफ के ब्लॉक के अंदर। एको हमने पैरेंथेसिस में लिखा है, एको इस पैरेंथेसिस में ये जो एको के पास है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ये 60 है वो ग्रेटर है ना 40 से, तो अब हमें इसको हम लोकल होस्ट पर चलाते हैं और देखते हैं क्या है लोकल होस्ट पर क्या शोर है। देखिए पास। अच्छा अब हम एक और एक कंडीशन करते हैं कि ये कंडीशन देखते हैं। अब हम ये लिख देते हैं कि 35 मार्क्स हो गए 34। अब 34 ग्रेटर देन 40, अगर ये कंडीशन अभी ये देखें कंडीशन अभी, अब देखिएगा क्या होगा। अब ये कंडीशन अब हम लोकल होस्ट पर चला के देखें, अब देखें ये नीचे, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो पैरेंथेसिस में जो एको का हमारे पास पास है वो प्रिंट नहीं होगा। तो अब इसके लिए हम यूज करते हैं एल्स। एल्स में लिखते हैं फेल। वैसे स्टूडेंट्स को फेल फेल्स ठीक है। अब इस इधर हमने लिखा फेल ठीक है। अब अगर ये कंडीशन 34, ये देखें ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, अब ये कंडीशन फेल, ये कंडीशन फॉल्स है। अब देखें अब हमने एक और एल्स का ब्लॉक चलाया, हम इसको एको करते हैं एको फील्ड। अब हमने ये फेल एको है, अब हमने ये फेल, अब हमने ये देखें अगर डॉलर में पी एच पी मार्क्स 34, अगर ये कंडीशन अभी क्या हो रही है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो अब हमने ये हमने पहले इफ इफ का जो ब्लॉक है वो उस वक्त चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अब देखिए ये कंडीशन आपको ट्रू नजर आ रही है 34 है, तो 34 ग्रेटर है 40 से, हाँ 34 ग्रेटर है 40, तो 34 इज ग्रेटर देन 40, तो इसका मतलब है कि 34 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो अब ये एल्स ब्लॉक पर चला जाएगा ठीक है। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं ठीक है। ठीक है अब देखिए, अब ये कंडीशन फेल हो गई। अगर वो वाली कंडीशन जो इफ वाली है, अगर वो कंडीशन इफ वाला ब्लॉक क्या है, इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी, तो वो अब एल्स में चला गया। एल्स में जब वो चला गया, उसने एल्स के ब्लॉक को चेक किया, उन्हें कहा एल्स में क्या प्रिंट, क्या लिखो एल्स में, लिखो प्रिंट फेल, फेल लिखा हुआ था। तो अब उन्हें जब एल्स का इफ और एल्स में ये है कि इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, ये कंडीशन है। अगर इफ की कंडीशन ठीक नहीं है
तो अब वो सेकंड ब्लॉक के ऊपर चला जाएगा और वो सेकंड ब्लॉक हमारे पास एल्स का ब्लॉक है। थैंक यू गाइस, ये डिफरेंशिएट था इफ और एल्स का। आज का फर्स्ट लेक्चर था कि पीएचपी में कंडीशन स्टेटमेंट कौन कौन सी है। पीएचपी में कंडीशन स्टेटमेंट है हमारे पास इफ है, एल्स है और स्विच स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हमारे पास जब इफ और स्विच स्टेटमेंट है, अब फर्स्ट टॉपिक हमारे पास इफ स्टेटमेंट का था। अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो वो एल्स के ब्लॉक को चेक करेगा। अगर एल्स के ब्लॉक में लिखा हुआ है वो जो भी, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फेल, तो उसने एल्स का ब्लॉक प्रिंट कर दिया और वो उसने एको करा दिया एल्स वाले ब्लॉक को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगी, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इफ और एल्स में। थैंक यू।